नमस्ते बच्चों, आप सबको हमारे कक्षा में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं व्यंजन। वो स्टार्ट होता है क से। तो पहले हम इसका रिकैप करेंगे। क से कमल, घ से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ङ देन। वन सेकेंड आई विल रीड। क ख ग ख ङ देन च छ ज छ ञ ट ठ ड ठ ण त थ द थ न प फ ब फ म। अब हम आगे वाले अक्षर को देखेंगे। वो है य र ल व श श स ख क्षत्र ज्ञ श्र। य से यज्ञ, र से रबड़, ल से लड़का, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सड़क एंड ह से हल। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी एंड श से श्रमिक। श्र से श्रमिक। ओके अच्छा, अभी हम देखने वाले हैं मात्राएं। मात्रा हम अक्षर के साथ यूज़ करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तभी जाके एक शब्द पूर्णता में होगा। तो अब हम देखने वाले हैं आ मात्रा, ई मात्रा एंड ई मात्रा। इन सब से बने हुए शब्द के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब हम देखने वाले हैं आ मात्रा से शुरू होने वाले दो शब्द, वो हैं ताला और आम। नेक्स्ट किताब, दैट इज़ ई मात्रा। ई मात्रा से स्टार्ट होने वाला है किताब एंड गिटार। देन ई मात्रा, ई मात्रा से तो आपको लीची एंड पपीता। देन ऊ मात्रा, ऊ से गुलाब और कछुआ। आप उस चित्र से भी आपको समझ सकते हैं कि वो क्या होता है। तो उस शब्द में आपको ऊ मात्रा में आपको मिलेगा गुलाब और कछुआ। देन ऊ के मात्रा में भालू और सूरज। अब आपको एक एक्सरसाइज है, जैसे ये क्या है आपको पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये किताब है। वो क्या है आपको पूछेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, वो सूरज है। जैसे आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा, जैसे कि यह किताब है और वह सूरज है। और यह तो है, यह इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो पास में जो चीज़ होती है उसके 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 लिए हम यूज़ करेंगे, तो यह यूज़ करेंगे। दैट मीन्स दिस। और वह जो है वो दूर में जो भी होते हैं, दूर से जो भी दिखता है या कुछ भी होता है, दूर कुछ भी रखते हैं उसको हम वह यूज़ करते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वह। और सूरज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो सूरज है। गुलाब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यह गुलाब है, यह किताब है। और वह पपीता है, वह ताला है, जैसे। ओके तो इस हिसाब में आपको अगर यह डैश है ऐसा कोई एक्सरसाइज मिलेगा, तो आप वहाँ पे कोई भी शब्द आपको वहाँ पे फिल करना होगा। जैसे यह किताब है, वह ताला है, यह गुलाब है और वह सूरज है। ठीक है, और अब हमारी आज की कड़ी यहीं ख़त्म होती है। आगे वाले क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।